नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है द स्प्रिंट। ये फिल्म तीन दोस्तों के अपराध की दुनिया को बयां करती है। ये फिल्म बिकनी किलर यानी कि चार्ल्स शोभराज और उनके दोस्तों से प्रेरित है। इस फिल्म में चार्ल्स शोभराज का करेक्टर ताहर रहीम ने प्ले किया है। मेरी एंड्रा के करेक्टर को जेना कोलमैन ने प्ले किया है। जो तीसरा करेक्टर अजय चौधरी उसको अमेश अडवेरा ने प्ले किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस फिल्म की क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल साल 2003 से नेपाल की जेल में बंद चार्ल्स शोभराज अब रिहा होने वाला है। ये आदेश नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आदेश में कहा गया कि चार्ल्स को 15 दिन के भीतर जेल से रिहा कर दिया जाए और उसे उसके देश वापस भेज दिया जाए। फिल्म में दूसरा करेक्टर था एंड्रा मेरी का, जिसका कैंसर से निधन हो चुका है। अजय चौधरी तीसरा करेक्टर है। अजय चौधरी, आज हम वीडियो में तीसरे करेक्टर अजय चौधरी के बारे में बात करेंगे। द न्यूज वीक रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में अजय चौधरी को नई दिल्ली में आखिरी बार देखा गया था, वो भी चार्ल्स शोभराज से मिलने के बाद। यहीं से अजय चौधरी की जुर्म की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत होती है। इसके बाद आज करीब 41 साल बीत चुका है। अजय चौधरी कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता। नेपाल पुलिस 2008 तक अजय चौधरी की तलाश करती रही, लेकिन उसके हाथ भी अजय चौधरी नहीं आया। अजय चौधरी इतना शातिर था कि इंटरपोल के हाथ भी नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुलिस शोभराज और उसके साथी की तलाश कर रही थी और उस समय इंटरपोल के नजर में अजय चौधरी था, लेकिन वो वहां से भी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस का दावा है कि अजय शोभराज के साथ मिलकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देता था, जिसमें लूट, डकैती, रेप जैसे जघन अपराध शामिल हैं। न्यूज वीक की ही रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स शोभराज ने जो नेपाल में हत्या की थी, अजय चौधरी ने उन लाशों को ठिकाने लगाया था। दावा ये भी किया जा रहा कि अजय चौधरी ने ही उन लाशों को जलाया था। इस घटना में मेरी एंड्री भी शामिल थी। इसके बाद नेपाल पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी करने लगी। होटल, लॉज, हर जगह छापेमारी की गई। एक पुलिस अधिकारी ने ये बताया था कि जैसे ही हम लोगों की पहुंचने की उसको भनक लगती थी, तीनों वहां से गायब हो जाते थे। दावा ये भी किया जा रहा है कि उसके बाद वो तीनों भाग के वाराणसी आए थे। वाराणसी में चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साल की सजा सुनाई गई थी। एंड्री को उसके खिलाफ गवाह बना लिया गया था। उसके बाद उसको पैरोल दे करके उसके देश कनाडा वापस भेज दिया गया था। अजय वाराणसी से भी भागने में कामयाब हो गया। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि चार्ल्स की गिरफ्तारी से पहले उसे और अजय को मलेशिया के जंगलों में देखा गया था। कथित तौर पर चार्ल्स को बाहर निकलते हुए देखा गया था, लेकिन अजय उनके साथ नहीं निकला था। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या हो सकती है। हालांकि बाद में अजय को जर्मनी में स्पॉट किया गया था। अजय के जुर्म की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है पुलिस के लिए। फिलहाल अजय कहाँ है इसके बारे में किसी को भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कई देशों की पुलिसिया फाइल में उसके जुर्म की दास्तान दबी पड़ी हैं, लेकिन वो सजा से दूर और पुलिस से गिरफ्त के बाहर है।